समझे बागवान। चुकड़िया में मिट्टी भर के और उसको दे दी कि जेल लेके जाओ और अपनी वहाँ आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद तुमको देते हैं, तुम गांव की मिट्टी लेके जाओ, तुम इसको साथ में रखना, तुम अपने आप को अकेला महसूस ना करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, इसलिए ही हम मिट्टी लेके। हमने भी मना किया था बेटा रहने, उसकी माँ मारती पीटती थी। अच्छा, क्यों मार खा रही, क्यों मनाती है, बनाना नहीं मनी। जाओ बेटा सफल होगी, जाइए आप जीत के आओ। जीत के आएंगे? अच्छा, ये भी मैंने कहा और मिट्टी उसको दे दी। अरे मिट्टी में पली पोसी, मिट्टी हमको जो है सब कुछ देती है, जमीन से ही सफल भाई। आदमी जलने भी लगे, इधर उधर से जो है वो भी देश विदेश भी जानेगा, इसीलिए तो उसे आशीर्वाद दिया है, यहाँ से मिट्टी दे के भेजा कि इसको और कोई भी जाए। गांव में बहुत पहले जो है बहुत जलन हुई थी, अब सब लोग सपोर्ट करते हैं, अब सपोर्ट अंदर से करते हैं, बाहर से भी करते हैं, अब तो सपोर्ट ही समझ में आ रहा। अब तो सपोर्ट करें, आगे चल के और सपोर्ट करेंगे। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है शिवानी कुमारी के गांव में, और शिवानी कुमारी इस समय काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है क्योंकि वो इंटरटेनमेंट के सबसे बड़े मंच बिग बॉस OTT 3 के प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी है, जो है बाहर जाते जाते जो है रह गई, और ये जो है ऑडियंस का प्यार है। लेकिन एक वाक्या जो घटा उससे पूरा जो ये जिला है, ये उत्तर प्रदेश है, उसके लोग जो गांव से आते हैं, जो खेती किसानी करने वाले हैं, जो शिवानी कुमारी को देखते हैं, वो देखकर उनको बड़ा आश्चर्यचकित वो रहे कि आखिरकार शिवानी कुमारी घर से कुछ नहीं लेके गई, घर से एक छोटे से घरिया में वो मिट्टी लेके जाती हैं। और वो मिट्टी जब वहां पे जो लोग पूछते हैं, जब अनिल कपूर जैसे सुपरस्टार पूछते हैं कि ये क्या लाए हो, तो उसने बड़े अदब से कहा कि ये हम अपने गांव की मिट्टी लाए हैं, हम खुद गांव के रहने वाले हैं और गांव की अपने साथ मिट्टी लाए हैं ताकि गांव के लोगों की जो भावनाएं हैं हमसे जुड़ी रहे। और वो मिट्टी देने वाले उनके जो मामा जी हैं हमारे साथ हैं, इन्होंने ही कहा था कि आप जो है जाइए बिग बॉस में तो मिट्टी लेके जाइए, जो गांव की मिट्टी, गांव की खेत की मिट्टी। तो ये आपने कैसे सोच लिया कि नहीं वो शिवानी को मिट्टी देना चाहिए? अरे मिट्टी में पली पोसी, मिट्टी हमको जो है सब कुछ देती है, जमीन से ही तो है, मिट्टी से तो है। और उस वक्त मेरे पास कुछ था भी नहीं, अचानक मामा मैं वहां जा रहे हैं, क्या दोगे? तो हमने एक चुकड़िया में मिट्टी भर के और उसको दे दी कि जेल लेके जाओ और अपनी वहाँ आशीर्वाद दिया और उसकी विदाई कर दी। अच्छा, हाँ मिट्टी दे दी, मिट्टी में तो मिट्टी से तो सब कुछ है। और वो मिट्टी का जो छोटा सा चुकड़िया था वो वहां पे ले जाकर शिवानी रख दी। और बताई, आप देखेंगे नहीं टीवी में? अब टीवी में हम 9 बजे आती है टीवी, 9 बजे जो हमको दिखाई कम देता है ना, तो फिर वो हम देखते नहीं। तो आपकी मिट्टी जो दिए थे वो बड़ी चर्चा है पूरा देश में कि बताओ शिवानी कुमारी अपने गांव से मिट्टी लेके गई है बिग बॉस में। मिट्टी हमने दी है, यही सोच के दी है कि मिट्टी से ही हमारा सब कुछ है। और मिट्टी से जुड़ी हुई शिवानी मिट्टी लेके पहुंच गई, मिट्टी से सब कुछ हुआ है उसका। आलू खोदते टाइम वो जो है फेमस हुई थी, उसी वक्त भी वो मिट्टी में काम कर रही थी। है? अच्छा, शिवानी कुमारी को आप बड़ा नजदीक से जानते हैं, जब गरीबी भी देखी है, बचपन भी उनका देखा है आपने? सब कुछ देखा, जब पैदा हुई तब भी देखा, और बहुत छोटी थी तभी उसके पिताजी एक्सार हो गए थे, खत्म हो गए उसके में, उसमें जो जैसे वो पली उसे भगवान ने पाला है ना, मुसीबत भी खाई। मतलब उनके पापा और मम्मी जो है चाहते थे बेटा, लेकिन हो गई बेटी। तो जो है इस तरह से जो है वो बहुत मुसीबत में पली, और अपने पर ये वीडियो बनाती रही, धीरे 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 वह को जो है जैसा कुछ हुआ वीडियो में सफल भई। आदमी जलने भी लगे, इधर उधर से जो है वो भी करने लगे, मना भी करते थे, हमने भी मना किया था बेटा रहने, उसकी माँ मारती पीटती थी। अच्छा, क्यों मार खा रही, क्यों मनाती है, बनाना नहीं मन किया, बनाती रही मानी नहीं बनाती रही। बनाती रही। अच्छा दादाजी, आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, कितना उम्र हो गई? हमारी उम्र 68 साल। 68 साल, 256 है जन्म तिथि, मतलब 70 साल के होने वाले हैं। 68 साल अभी है उम्र, 68 है।
68 साल उम्र है आपकी और उस गरीबी में आपने शिवानी कुमारी को देखा है जी। और क्या आपको लगता है कि अगर शिवानी कुमारी की जगह कोई लड़का होता उनको तो इतना सब कुछ कर देता हूँ? ये तो नहीं सोच सकते थे। हाँ, लड़का होता वो अपनी खेती टपड़िया करता, इधर उधर मजदूरी करता, लेकिन वो लड़की के भाग, लड़की की बुद्धि, उसने अपना ये काम सिस्टम जोड़ दिया तो सफल हो गई। अब पूरा देश जान रहा है, अब पूरा देश विदेश भी जानेगा, इसीलिए तो उसे आशीर्वाद दिया है, हाथ मिट्टी दे के भेजा कि इसको और कोई भी जाने। मिट्टी दे के आपने आशीर्वाद दे दिया कि ले जाओ पूरे जो है इस गांव की मिट्टी को पूरे हिंदुस्तान में बिखेर दो, बिखेर दो। उसने जो है हमसे ये कहा, मामा आशीर्वाद दो। मैंने कहा जाओ बेटा, सफल होगी, जाइए आप जीत के आओ। जीत के आएगी? अच्छा, ये भी मैंने कहा। और मिट्टी उसको दे दी। अच्छा, कभी जो है उनकी माँ ने मारा हो, रो रही हो, आपके पास आई हो कि माँ ने मारा है, ऐसा कभी हुआ? अरे वो तो होता ही रहता था। वो तो होता ही रहता था, कभी माँ को भी डांटते थे, कभी उसको भी डांट देते। अच्छा, अच्छा, आप पैसा कमा रहे, खूब कमाई पैसा। तो पैसा कमाए तो आपको भी कुछ ला के दिए? अरे हमको क्या देगी, वो हमारी भांजी है, हम देगी, हम देंगे नहीं। अच्छा, हाँ वो क्या देगी, देगी तो हम लेंगे नहीं, हमारी भांजी भांजी है। अच्छा, उससे हम क्या पैसा ले लें, कपड़ा ले लें, हमारे लिए खराब है क्यों ना। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, और ये है कि हमारी भांजी है, हमारे और छोटे छोटे हमारे घर में बच्चे भी हैं, उनको कुछ भी दे दे वो, हम नहीं लेंगे, हमारी भांजी है, हम उससे क्या लेंगे। हाँ, बच्चों को दे सकते लेकिन आप नहीं ले सकते। हम नहीं ले सकते, बस आप दे सकते हैं। हाँ, दे सकते। और बहुत बड़ा जो है चीज दे दिया आपने। अब बड़ा मिट्टी को, मिट्टी को सोना समझ के आपने दे दिया। अब आशीर्वाद मिट्टी समझो चाहे सोना समझो, मैंने उसको उस वक्त यही सोच के दिया कि तुम इसी से पली उसी पुसी हो तो तुम अपनी यही लेके जाओ, ये सोच के दिया, आशीर्वाद दिया उसको, आराम से जो विदाई की। तो गांव में तो बड़ा लोग, कुछ लोग होंगे जो बड़ा कहते होंगे कि क्या वीडियो बना रही है। अरे गांव में बहुत पहले जो है बहुत जलन हुई थी। अब सब लोग सपोर्ट करते हैं? अब सपोर्ट अंदर से करते, बाहर से भी करते, अब तो सपोर्ट ही समझ में आ रहा। अब तो सपोर्ट करे, आगे चल के और सपोर्ट करेंगे। करेंगे, हाँ तो करेंगे। अब तो सपोर्ट नहीं करेंगे, गुस्सा भी रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि शिवानी का अब तो बहुत लोग पूरे हिंदुस्तान जान रहा। हाँ, हिंदुस्तान जान रहा। अब उससे बुराई करने से भी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अब उससे जो नमी रहो तभी फायदा है, तभी कुछ मिलेगा, है ना। साथ में रहो, साथ में रहो, और नहीं तो फिर चलते रहो, हमें जाना जाने, वो जहाँ जाएगी तहाँ चली जाएगी, उसको जो करना वो करेगी, करेगी, कोई रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, जलते रहो। अच्छा, शिवानी कुमारी के जाने से जो और भी बेटियां हैं उनके मन में जैसे किसी को होगा कि हम पढ़ लिख के ऑफिसर बने, कुछ कोई और कुछ बनना चाहता होगा, तो अब उसको देख के मन में होगा कि नहीं, कि जब शिवानी बन सकती है तो हम भी पढ़ लिख के कुछ बन सकते हैं। ऐसा तो कुछ सब सोचते हैं, ऐसा सब लोग सोचते हैं, लड़के भी सोचते, लड़कियां भी सोचते, बुड्ढा भी सोचते है। अच्छा, और क्या, हम भी सोचते हैं हम भी कुछ बन जाए। अच्छा, और क्या। तो आप भी तो वीडियो में अब आ गए हैं, आप भी तो फेमस हो गए, आपको भी लोग जान रहे हैं अब कि भाई मिट्टी जो शिवानी कुमारी को जो पोटली मिट्टी दिए थे वो यही दादाजी। हाँ, जान गए तो ठीक है। अच्छा, नाम क्या है आपने? हमारा नाम दुर्जन लाल। दुर्जन लाल जी। हाँ, क्या करते हैं आप? हम खेती का काम, खेती में मतलब क्या, इस समय क्या बुआई वगैरह? इस समय बाजरा बोएंगे। अच्छा, बाजरा धान करेंगे। अच्छा, खेती करते हैं और ये जो है शिवानी कुमारी के मामा लगते हैं जी। हाँ, शिवानी कुमारी के मामा लगते हैं और इन्होंने जो है शिवानी कुमारी जब बिग बॉस के सबसे जो इंटरटेनमेंट के सबसे बड़े मंच बिग बॉस पर जब जाती हैं तो इनके पास आती हैं और कहती हैं कि मामा जी हम तो जा रहे हैं बिग बॉस में, आप हमें क्या देंगे। तो ये जो है वो गांव की मिट्टी, खेत की मिट्टी एक पोट, एक जो है घड़िया में, घड़िया बोलते हैं उसको, एक पोटली में बांधते हैं और उसी में डाल कर दे देते हैं कि लो यही गांव की मिट्टी है और यही लेके जाओ तुम और इसी से तुम आगे बढ़ोगे, उसको आशीर्वाद स्वरूप ये देते हैं। और वाकई में वो आशीर्वाद
लग भी जाता है, क्योंकि वो जो है बाहर होते होते फिर अंदर रह जाती हैं। अब जो है क्या वो आगे बढ़ेंगी और वो जीत कर आएंगी, ये सब गांव के लोग कह रहे हैं और ये खुद कह रहे हैं कि हमने यहाँ तो आशीर्वाद दे दिया है जीत के आने का। अब देखने वाली बात है कि क्या शिवानी कुमारी वो बिग बॉस सीजन 3 का जो खिताब है वो जीत कर आती है और अपना नाम कर जाती है, ये देखने वाली बात होगी आगे। और आप इनके विचारों से कितना सहमत हैं कि मिट्टी से जुड़े हुए ये भी हैं, शिवानी कुमारी भी हैं और वो आज इतने बड़े मंच तक पहुंची हैं, आपको क्या लग रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।